इस वीडियो में हम जहाज स्नेकर की स्टिचिंग करने का तरीका सिखाएंगे। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले मियानी लेते हैं और मियानी पर सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद में दूसरी साइड में भी इस तरह से मियानी लगा लेंगे। नेकर में दो मियानी का इस्तेमाल होता है। मियानी लगाने के बाद में इसमें चिड़िया बनाएंगे जिसमें नेफा बनता है। इसमें कवरबंद या इलास्टिक पड़ती है। पहले यहाँ सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और हल्का सा आधा इंच तकरीबन लगाने के बाद में गैप देकर छोड़ देंगे। फिर यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और पूरी सिलाई लगाते चले जाएँगे। इसके बाद में दूसरी साइड में फ्लैच लगा लेंगे। अब इसके बाद में इसको यहाँ पर से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद में दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद में नीचे के मोड़ी गोती को से फोल्ड कर देंगे। इसे कटिंग करने का आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के इसे कटिंग का लिंक देख सकते हैं। कटिंग की वीडियो में दूसरे चैनल पर डाल रखी है। ऐसे ही दूसरी साइड के भी मोड़ी फोल्ड कर देंगे। कटिंग ज़रूर देखिएगा कोई स्टिचिंग करने से पहले। कटिंग का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों साइड में फोल्ड कर लिया है। अब फोल्ड करने के बाद में इसको पहले इस साइड से मिलाएंगे। मिलाने के बाद में इसकी सिलाई यहाँ से लगाना स्टार्ट कर देंगे। बहुत सिंपल तरीका आप लोगों को सिखा रहे हैं। इस तरीके से आप लोग अगर सिलाई करेंगे तो नेकर बहुत तरीके से सिल पाएंगे। इसे कटिंग का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम नेकर की कटिंग पहले ही दिखा चुके हैं, दूसरे चैनल पर इसका लिंक मिल जाएगा। ये देखिए सिलाई साइड में लगा लिया है। इसके बाद में अब नेफे का मोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा नेफे को मोड़ने के लिए, बस ध्यान रखिए कि नेफा हमारा चौड़ा पतला ना हो, एक सा मोड़िए और नेकर अच्छे तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए। और इसे कटिंग का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेफे को पूरा मोड़ लेंगे। ये देखिए नेकर का नेफा मोड़ लिया है और नेकर पूरा बन के हमारा तैयार हो गया है। इस तरीके से नेकर बन के आया है। आप लोग कटिंग देखिए और इसकी स्टिचिंग देखिए। नेकर बनाना